वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू द गवर्नमेंट जॉब्स पोर्टल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं जॉब्स जो है प्रोजेक्ट डायरेक्टर, न्यूनटल स्क्रीनिंग फॉर कॉन्जिटेंटल हाइपो एडजम इन सिंध, NICH नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ के लिए बहुत ही बेहतरीन जॉब्स आई हुई हैं। कौन कौन सी जॉब्स हैं फुल बताएंगे आपको। सबसे पहली जॉब है पैथोलॉजिस्ट की, तो इसमें MBBS PMDC की जानब से तस्लीम शुदा मेडिकल क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए और सर्टिफिकेट होना चाहिए, तजर्बा होना चाहिए पैथोलॉजी का कम से कम 5 साल। उसके बाद दूसरी पोस्ट है रिसर्च ऑफिसर मास्टर्स मास्टर ट्रेनर्स के लिए भी MBBS और रिसर्च में 4 साल का तजर्बा सिंध के तमाम अजला के लिए है। उसके बाद है कंप्यूटर ऑपरेटर की एक पोस्ट है ग्रेजुएट, 1 साल डिप्लोमा इदारे में, 3 साल का तजर्बा नेटवर्किंग वेबसाइट सॉफ्टवेयर और ट्रबल शूटिंग के को तरजीह दी जाएगी, जो इसमें माहिर होगा उनको तरजीह दी जाएगी। उसके बाद है फील्ड असिस्टेंट की पोस्ट, 52,500 रुपये तनख्वाह है और 18 असामियाँ हैं। उसके लिए FAFSC लेबॉरटरी टेक्नीशियन का डिप्लोमा, 2 बरस का तजुर्बा होना चाहिए, एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशन चलाना जानता हो और सिंध के मुतलका अजला में जो तरजीह दी जाएगी। तो कौन कौन से अजला हैं आप तो देख लें, जेकबाबाद, जानशोर, लाटकाना, चित्तरपुर, सखर, कश्मोर, कंदकोट, शहीद वे नज़ीराबाद, मीरपुर खास, टंडवाला या ठट्टा, मोटियारी, जाना मोहम्मद खान, कराची ईस्ट, मलिर वगैरह के लिए। और उसके बाद है असिस्टेंट ट्रेनर वर्कशॉप की जॉब है, इसमें भी मैट्रिक इंटरमीडिएट साइंस होनी चाहिए, लेबॉरटरी टेक्नीशियन का सर्टिफिकेट और एंड्रॉयड एप्लीकेशन वगैरह चलाना जानता हूँ, सिंध में तमाम अजला के लिए चाहिए। उसके बाद सैनिटरी वर्कर की पोस्ट है, ये प्राइमरी मुतलका शुबा में 2 साल का तजर्बा। तो अप्लाई करने के लिए उम्मीदवार जो खरा उतरते हैं उन्होंने इस वेबसाइट पे जाना है nscs.gov.sindh.gov.pk/careers और ऑनलाइन दरख्वास्त आप दे सकते हैं। किस तरह से दरख्वास्त हम दे सकते हैं, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं इनकी वेबसाइट पे, तो चलते हैं यहाँ पे किस तरह से अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे पोस्ट सेलेक्ट करनी है, और सेलेक्ट कर देते हैं हम यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर की, और यहाँ पे आपने अपनी डेटा लिख देनी है। कैसे लिखेंगे मैं आपको लिख के बताता हूँ, इस तरह से आप लिख सकते हैं डेटा अपनी। तो फ्रेंड्स, आप इस तरह से डेटा फिल कर सकते हो। सबसे पहले नेम लिखना है, फादर्स नेम, उसके बाद अगर फीमेल है तो वो अपना हस्बैंड का नेम लिख सकती है, डेट ऑफ बर्थ, CNIC नंबर आप लिख सकते हैं, उसके बाद मेल फीमेल जो भी हो आपने वो लिखना है, मैरिटल स्टेटस में मैरिड या सिंगल लिखना है, उसके बाद रिलीजन आपने अगर मुस्लिम है तो मुस्लिम लिखना है, अगर नॉन मुस्लिम है तो नॉन मुस्लिम, फ़ोन नंबर है तो लिखना है, नहीं तो मोबाइल नंबर आपने लिख देना है, उसके बाद ईमेल एड्रेस लिख देनी है, उसके बाद अगर आप किसी और कंट्री से हैं तो आप उन्हें वो चीज़ लिख देनी है यहाँ पे, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, तालुका सेलेक्ट करना है और अपनी एड्रेस लिख के देनी है, और एरिया आपने लिख के देना है, रूरल है या अर्बन है तो आपने रूरल सेलेक्ट कर देना है, उसके बाद परमानेंट एड्रेस भी आपने इसी तरह रख देनी है, डिस्ट्रिक्ट, तालुका और एड्रेस और रूरल अर्बन। उसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन जो हमने एडवर्टाइजमेंट में मांगी है वो आपकी है या नहीं है, तो आपने इसमें यस कर देना है। उसके बाद फाइनल आपने यहाँ पे अपनी क्वालिफ़िकेशन और कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने लास्ट क्वालिफ़िकेशन जो भी MA या MEd या जो भी किया है वो आपने लिख देनी है। उसके बाद एक्सपीरियंस आपने लिख देना है यहाँ पे, कौन कौन सा एक्सपीरियंस है आपको, वो सारी डिटेल आपने यहाँ पे लिख देनी है। उसके बाद फाइनल में आती है अटैच CV, आपने CV बनानी है अपनी, CV बना के यहाँ पे चूज़ फाइल में जाके और अटैच कर देनी है। उसके बाद फ्रेंड्स आती है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो की बारी, तो यहाँ पे उसी तरह आपने चूज़ फाइल करके और अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपने वो जो है अपलोड कर देनी है। उसके बाद फाइनल आता है सबमिट, उसके बाद आपने सबमिट कर देना है, जब आप सबमिट करोगे तो आपकी एप्लीकेशन जो है सबमिट हो जाएगी और आपने अप्लाई आपका हो गया। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं।
चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा। अगर फिर भी आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे नई वीडियो के साथ, तब तक अपने होस्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।